चलिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो आपका प्यून टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसके कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा, आंसर साथ में लगा रहेगा जो टेस्ट में हम लोगों ने आंसर लिया है, ताकि आप लोग भी साथ में बनाते जा सके। अगर ये वीडियो यूट्यूब में आ रही होगी तो यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो ऐप में भी आएगी, जो भी टेस्ट सीरीज वाले ऐप में आप लोगों ने रजिस्टर किया था उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान आपको दिया है 40 डिग्री था। इसके बाद बोलता है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना था। जनरली ये क्वेश्चन जो है औसत का है, औसत के क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करते देखेंगे। तो जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है मंडे ट्यूजडे को मैं टी यू लिख देता हूँ प्लस वेडनेसडे, इसका औसत दिया है आपके पास कितना 40 डिग्री। तीन है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल मानों का योग बटे मानों की संख्या, बराबर कितना हो गया आपका 40 डिग्री। या फिर मैं यहां से लिख सकता हूँ इसी को मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, वेडनेसडे का आपको कितना मिल जाएगा 40 इंटू 3 मतलब 120 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान का योग आता है। ऐसे ही मंगलवार प्लस बुधवार प्लस आपका गुरुवार, गुरुवार थर्सडे होता तो टीएच लिख दिए, इसका औसत तापमान आपको दिया हुआ है कितना दिया है 41 डिग्री सेल्सियस, तो 41 लिख दिए। या फिर यहां से हम लोग लिख देते हैं मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार कितना हो जाएगा औसत तापमान 41 इंटू 3 या फिर 3 एक कम 3, 3 चौको 12। ये हम लोगों को मिल गया दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जोड़िएगा नहीं, घटाते हैं दोनों इक्वेशन को, क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस 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 इधर भी माइनस हो जाएगा। देखिएगा ट्यूजडे ट्यूजडे वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, इधर क्या बचेगा मंडे माइनस थर्सडे, इसका औसत तापमान आपको मिलने वाला है 120 माइनस 123। या फिर लिख सकते हैं मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ पे कर दीजिएगा मंडे माइनस थर्सडे, कितनी वैल्यू आती है माइनस 3 आती है। थर्सडे की वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना दिया है जी, आपके पास है बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री, तो रख दीजिए मंडे माइनस 38 बराबर माइनस 3, या फिर मंडे इज इक्वल टू माइनस 3 और 38 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 38, मतलब मंडे की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 35 डिग्री सेल्सियस। उत्तर हम लोगों का कितना आया था 35 डिग्री सेल्सियस था। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है 11 परिणामों का औसत 50 है, कुछ 11 वैल्यू दी है उनका औसत 50 है। पहले 6 का औसत आपको दिया है 49, अंतिम 6 का औसत आपको दिया है 52, छठवी संख्या क्या होगी। तो 11 संख्या हम लोगों को नहीं पता, तो 11 संख्या हम लोग मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और इसके बाद हो जाएगा के। के तक हम लोगों का अल्फाबेट पे 11 लेटर होता है, इनका औसत दिया है 50, मतलब बटे 11 करेंगे अगर इसका बराबर कितना मिलेगा आपको 50। या फिर एक इक्वेशन बन जाएगा क्या ए प्लस बी प्लस सी डी, पूरा लिख दीजिएगा काम आएगा एफ जी एच आई जे के, इनका औसत कितना हो जाएगा 50 इंटू 11 550, योग हो गया इनका 550। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम लोग चलते शुरू के 6 परिणाम, मतलब इधर कर देता हूं मैं थोड़ा सा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका औसत दिया है आपको कितना दिया है शुरू के 6 का 49, तो इनका योग कितना हो जाएगा 49 इंटू 6, कैसे आया एक स्टेप में लिखाया है, बटे में 6 लिखते फिर गुणा करते तो आता कितना हो जाएगा 6 नारे 54, 6 चौके 24, 5 39, 294। ये हो गया शुरू के 6 का। ऐसे अंतिम का 6 बोलता है, अंतिम से 6 पकड़िएगा 1 2 3 4 5 6, एफ से शुरू होगा एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, ये तक जा रहा था। औसत कितना आता है इनका अंतिम 6 का 52, तो योग कितना हो जाएगा 52 इंटू 6 मतलब 2 छक्का 12 और 6 पन्ना 30 31। ये हो गया, देखिएगा ए बी सी डी ई एफ है, इसके बाद एफ जी एच आई जे के है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 दीजिएगा, अगर आप इसको जोड़ते तो क्या मिलेगा, देखो ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी डी ई एफ दो बार हो जाएगा तो 2F हो गया, जी एच आई जे के, इसका औसत या योग कितना हो रहा है तो 4 2 6 9 1 10 3 3 6, 606 आता है इसका योग। अब 606 इसका योग है, ये वाले में आप देखेंगे 550 था, इसको नीचे लेके आ जाइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 2F की जगह पे एक सिंगल F, जी एच आई
कितना होता है ये 550, दोनों को घटाइएगा, 550 है ना, 550 लिख देता हूँ, दोनों को घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 10 में से 5 गया 5, ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, एफ की, बाकी सारी चीजें घट जाएंगी, माइनस 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 कर दीजिएगा क्योंकि समीकरण घटाना है, तो यहाँ पर दो एफ में से एफ जाएगा तो एक एफ बचेगा, बाकी ए से ए, बी से बी, सी से सी, ऐसे करते करते पूरा कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ की, 56 आ जाएगी। ये जनरली किस प्रकार का इक्वेशन था समझिएगा, औसत में एक पूरा मान दिया है, एक मान जो है दोनों में कॉमन है, एक मान दोनों में कॉमन है, तो जब भी दोनों में कॉमन मान आता है बाकी दो इक्वेशन को जोड़ेंगे, पहले वाले से घटाएंगे, आपका उत्तर जो है बीच की संख्या के लिए मिल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है किसी संख्या का 3/4 उसका 2/5 का 204 है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो माना कि वह संख्या x है, अब x का 3/4 हम लोग कैसे लिखेंगे, x इंटू 3/4, और इसका 2/5 कैसे लिखेंगे, इंटू 2/5, ये आपको दिया है, कितना दिया है 204, तो आपको बोल रहा संख्या क्या है, तो x निकालना है, पक्षांतर कर दीजिएगा बाकी चीजों को, 204, जब 2/5 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 5/2, ऐसी 3/4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। चलिए करिएगा, देखिए कटता है क्या, इसको काट देंगे, किससे कट जाएगा हमारा, 2 1 2 2 0 0 2 2 4, 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल 3 3 9 3 6 12, क्या मिलेगा x की वैल्यू 34 × 5 6 20, इसको कर दीजिएगा 2 6 8 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 680, हम लोगों का आंसर बिल्कुल 680 आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल का 7 गुना है, यदि अंकों का गुणनफल को पलटकर प्राप्त की गई संख्या मूल संख्या से 18 कम हो तो वो संख्या ज्ञात करिए। ओके, दो चीज दिया है, दो अंक की संख्या बनी है, अगर अंकों को हम लोग गुणा करते हैं, अंकों का योग निकालते हैं, तो वो उसके गुणनफल से 7 गुना ज्यादा आता है या 7 गुना आता है, और अंकों को पलट दे तो जो संख्या आपको कितनी मिलती है 18 मिलती है, अगर अंतर निकालेंगे तो। चलिए इसको हिट एंड ट्राई से बनाएंगे, सबसे बेस्ट इसके लिए क्या रहेगा, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई पे चलते हैं। जैसे 24 है, 24 का योग करिए, कितना हो जाएगा 2+4, अंकों का योग कितना आया 6 आया। देखिए क्या बोलता है, अंकों का योगफल जो है संख्या से उसके गुणनफल से 7 गुना है ना, अंकों का योगफल हम लोगों ने निकाल दिया, अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल से 7 गुना है, अपने अंकों के योगफल से 7 गुना है। अब देखिए क्या 6 24 से 7 गुना है, क्या 6 × 7 करते हैं कितना मिलता है 42। होना क्या था कि अगर अंकों का योगफल करें उसमें अगर आप 7 से गुणा करें तो 42 आए, यहाँ पर कितना आता है 4 से गुणा करने पे आता, तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं 42 को, 42 का योग निकालिए, 4+2 कितना होता है 6 होता है, 6 ये जो योगफल है 6 का गुणा करिए 7 से, क्या ये 42 मिलता है, बिल्कुल। तो अगर मैं अंकों का योग करूं, अगर अंकों का योग करूं तो जो योग मिलता है वो संख्या से 7 गुना है, मतलब संख्या अपने योग से 7 गुना है, 6 को देखिए 6 × 7 क्या होता है 42, पहला इक्वेशन या पहला हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। हम लोगों को दूसरी चीज भी देखना है, अंकों को पलटिए, जैसे 42 से 42 के अंकों को पलटेंगे तो क्या मिलेगा 24, अब चेक करिए 42 − 24 = 18 आता है क्या, 42 − 24 अगर 18 तो बन जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल है ना। तो 42 वो संख्या है जिसको अगर आप गुणा करेंगे या जिसका आप योग निकालेंगे तो योगफल संख्या जो है संख्या योगफल के 7 गुने में आती है, बिल्कुल आ रही है, 42 हो रहा है, साथ ही साथ अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलती है उसका अंतर, दोनों का अंतर 18 आता है, तो बिल्कुल ये वाला रहेगा 42 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब 54 पे चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा, जैसे 54 करेंगे 5+4 9 होता है, अब 9 का गुणा अगर मैं 6 से करूंगा तब 54 मिलता है, 9 7 63 होता है, तो भी नहीं है, तो पहली कंडीशन तो केवल एक ही नंबर पर सेटिस्फाई हो रही थी, दूसरा भी सेटिस्फाई होना जरूरी था, नहीं तो अनन अब दो अब लग जाता है, तो आंसर 42 हमारा सही रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना थी, 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ओके, तो चलिए मैं लिख देता हूं, एक विशाल, विशाल की आयु हम लोग मान लेते कितना है एक्स वर्ष, कौन सी वर्तमान आयु मानेंगे, ऐसे ही उसके पुत्र की आयु है ना, पुत्र कौन है शेखर है, शेखर की आयु हम लोग मान लेते हैं कितनी है वाई वर्ष है, ये दोनों की हम लोगों ने क्या लिख दी है वर्तमान आयु, दोनों की क्या है ये वर्तमान आयु। अब क्या बोलता है, पहला इक्वेशन के लिए 8 साल पहले लेना है, तो 8 वर्ष पूर्व लीजिए, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु कितनी होगी एक्स माइनस 8 होगी और शेखर की आयु कितनी होगी वाई माइनस 8 होगी, एक इक्वेशन दिया है विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना थी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बनेगा एक्स माइनस 8 जो होगा वो किसके बराबर होगा 4 × y − 8 के, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एक्स माइनस 8 बराबर
4y-25 इसको रखिएगा समीकरण नंबर एक। ऐसे ही 8 वर्ष पश्चात का दिया है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कब से लेंगे, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु में 8 वर्ष बाद, मतलब अगर मैं मान लो अभी 20 साल का हूँ तो 8 साल बाद कितना होगा, 20 प्लस 8 28 साल का, तो 8 वर्ष बाद जो आयु होगी कितनी होगी, x प्लस 8 होगी विशाल की और शेखर की होगी y प्लस 8। अब रिलेशन दिया है, क्या बोलता है, दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब x प्लस 8 बराबर होगा किसके, 2 इंटू y प्लस 8 के। यहां से अगर हम लोग फिर से रिलेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 8 बराबर 2y प्लस 16। ये हो गया समीकरण नंबर दो। दोनों समीकरण में देखिए x है y है y है और 16 और 32 इस संख्या दिया है। दोनों समीकरण को आपस में घटाइए, माइनस 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 माइनस, प्लस x माइनस x कट जाएगा, माइनस 8 और माइनस 8, माइनस 16 हो जाएगा, 4y में से 2y गया वो 2y बचेगा और यहाँ पर माइनस 32 और माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। करिए इसको ट्रांसफर करते हैं तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 16, 48 इधर रहेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16 आपका ऋणात्मक रहेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा और 4 में से गया 3, 2y की वैल्यू आएगी 32 तो y की वैल्यू आएगी 16। y क्या है, हमारा पुत्र शेखर है, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष है, शेखर की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। आपको विशाल की आयु निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, जैसे ये वाला पकड़ लेते हैं, x प्लस 8 बराबर क्या था हमारे पास, 2y प्लस 16, यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो चलिए x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2y मतलब 32 और प्लस 16। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में एरर जा रहा है, टाइप हो रहा है एरर, तो उसको संभाल लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ, x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 48, x प्लस 8 बराबर 48 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 8 मतलब 40 वर्ष। आपकी विशाल की आयु कितनी आएगी, 40 वर्ष। 40 वर्ष हमारे पास आंसर है क्या, बिल्कुल 40 वर्ष हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा, जब भी बोला किसी के बीच की भी आयु का अंतर, चाहे वर्तमान आयु का बोले, चाहे 10 साल बाद का बोले, चाहे 15 साल बाद बोले, चाहे 20 साल पहले का क्यों ना बोले, आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो जैसे मैं अगर लिखता हूं तो ए माइनस बी कितना हो जाता है, 16। ओके, दूसरा बोलता है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, तो ए की आयु ले लेते हैं 6 वर्ष पहले कितना, ए माइनस 6, बी की आयु ले लेते हैं बी माइनस 6। क्या बोलता है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, तो ए माइनस 6 बराबर 3 इंटू बी माइनस 6, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन में ए बराबर लिख देते हैं बी प्लस 16, हो जाएगा क्या, बिल्कुल पक्षांतर करने पे हो जाएगा बी प्लस 16। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बी प्लस 16 ए की जगह पे माइनस 6 बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर 3b माइनस 18 हो जाएगा, या यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस 10 बराबर 3b माइनस 18। चलिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं बी माइनस 3b बराबर 18 माइनस का माइनस 10, मतलब माइनस 28 किसकी वैल्यू आएगी, 2b की, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 28/2, या फिर b की वैल्यू आएगी 14 वर्ष हमारे पास आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ये वाला भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए अगर इसको बेसिक मेथड से बनाने जाओगे तो इसमें एक चीज का दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, एक चीज का, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगी और वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हिट एंड ट्राई से बनाएंगे। देखिएगा राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल दिया 15, एक एक चीज को पकड़ते जाइए और करते जाइए आपको बन जाएगा। जैसे ऑप्शन पकड़ते हैं हम लोग 15, जैसे 3 को काट देना क्योंकि 3 में 5 साल पहले की आयु माइनस 2 वर्ष, हो ही नहीं सकता, तो 3 तो पहले ही कट गया, बचता क्या 15 का देखते हैं। अगर 15 है, 15 की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी 10 और 9 वर्ष बाद की कितनी हो जाएगी, 15 में 9 जोड़ोगे 24, क्या इन दोनों का गुणा करने में 45 आता है क्या, 24 × 10 नहीं आता है ना, 15 आता है क्या, नहीं आता, 240 आता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। ऐसी 9 को ट्राई करिए, 9 की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी 4 और 9 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी 18, मैंने लिखा 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, इन दोनों का गुणा करिए कितना आता है 72, हम लोगों को चाहिए 15, तो ये भी नहीं है। 6 वर्ष को पकड़ते हैं, 5 साल पहले की आयु कितनी होगी, 6 में से 5 गया 1,
9 साल बाद की वैल्यू कितनी होगी, 9 6 15, इन दोनों का गुणा करिए, 15 एक कम 15 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 6 वर्ष। चलिए, हिट एंड ट्राई में कभी कभी बहुत जल्दी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, सी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु ए, बी की बी, सी की सी, कितना मिलता है योग, 90 वर्ष। 6 साल पहले ए कितने साल का होगा, ए माइनस 6, बी कितने साल का होगा, बी माइनस 6, सी कितने साल का होगा, सी माइनस 6, तो इनकी आयु का योग भी कितना होगा, 90 माइनस 1 2 3, 6 3 18, 3-6 साल पहले अगर तीनों की आयु जोड़ता तो 90 में से 18 कम आता, मतलब कितना आता जी, 72। और इनकी आयु का अनुपात ए माइनस 6, बी माइनस 6, सी माइनस 6 का अनुपात दिया है 1:2:3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस अनुपात में 2x + 3x, तो x प्लस 2x + 3x बराबर 72। 6 वर्ष पहले की बात है तो 6x बराबर आपका हो गया 72, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 72/6 या फिर 12। तो 6 साल पहले जब a माइनस 6 था तो वैल्यू उसकी थी 12 वर्ष, ऐसी b की वैल्यू, b माइनस 6 था तो b की वैल्यू थी 2 × 12, है ना, 2x था तो 24 वर्ष, और c माइनस 6 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 3 × 12, मतलब 36 वर्ष। तो 6 साल पहले, क्योंकि c की वैल्यू पूछा है, तो 6 साल पहले c माइनस 6 की वैल्यू थी 36 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो c बराबर 36 + 6 कितना हो जाएगा, सी जी 42 वर्ष, 42 वर्ष हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलते 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, तो कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, तो कैसे लिखतेंगे, 12/3 किलोग्राम। अब देखो ग्राम में है तो किलोग्राम को भी ग्राम में करना पड़ेगा, तो 3 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 12 × 12/3000 × 100, ये प्रतिशत में वैल्यू देगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए, क्या बचेगा, 12/30%, या फिर 12/30 को सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 30, 4/10%, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.4%, ओके 0.4% ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400 है, प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो याद रखना जब भी बात आता है शहर की जनसंख्या का, तो जनसंख्या हमेशा बढ़ती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ती है, जनसंख्या हम लोगों को निकालना है, ये पहले का जनसंख्या दिया है, 2 साल पहले का पूछा है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या को हम लोग मान लेते हैं मूलधन, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को हम लोग मान लिए पी, वर्तमान की जनसंख्या को मान लिए हम लोग ए, क्योंकि बाद में दिया है जोड़ते हुए जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बराबर पी 1+R/100^n, कितने वर्ष में बढ़ रही है उसको देख लीजिएगा, तो जैसे लिखा है 176400, ये वर्तमान जनसंख्या, 2 वर्ष की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या को हम लोग माने पी, 1+R की वैल्यू कितनी है, 5/100, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 वर्ष पहले बोला है, तो 176400 बराबर पी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 21/20 की स्क्वायर, है ना, यहाँ पे अगर पी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 176400 पक्षांतर करेंगे तो 20/21 × 20/21, इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, तो ये कितने बार में जाएगा, 21 करके जाएगा ये 400 बार में, एकदम गुणा करके आप देख लीजिएगा पी बराबर कितना हो जाएगा, 400 × 400, तो 400 × 400 करेंगे तो 400 × 16 = 1234, पी की वैल्यू कितनी आएगी, 1,60,000, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 को 2 भागों में कुछ इस प्रकार बांटा गया है कि उन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, तो संख्या क्या होगी, हिट एंड ट्राई से भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब जैसे 1/25 + 1/25, इसका योग कितना आना चाहिए, 1/12 के आसपास आना चाहिए, जिसमें आपको 1/12 मिल जाएगा वो आंसर आपका सही होगा। हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, मान लेते हैं 50 है, 2 भाग में बढ़ता है, कौन कौन से भाग में बढ़ता है, एक भाग को हम लोग माने x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 50 - x हो जाएगा, एक भाग को हम लोग लिखे x, दूसरा कितना हो जाएगा, 50 - x, क्योंकि दोनों का योग 50 आना चाहिए, इनके व्युत्क्रमों का योग बोलता है, मतलब 1/x + 1/50 - x, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/12 के बराबर आनी चाहिए। चलिए एलसीएम लेके गुणा करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 50 - x/x, और यहाँ पे हो जाएगा 50 - x × x, ये किसकी वैल्यू होगी, 1/12 की होगी, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 12 × 5 = 60, 600 बराबर इधर मिलेगा, 50x - x², या फिर पक्षांतर करेंगे तो x² - 50x + 600,
इज इक्वल टू जीरो, हमेशा यहाँ पे फंस जाता है इंसान जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऐसी कोई दो संख्या में तोड़ना रहता है बीच वाली संख्या को, जिसका गुणा करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। जैसे 600 और इधर 1 है, तो 600 इनटू 1, ऐसी कोई संख्या सोचिए दो जिसको जोड़ने या घटाने में 50 है, गुणा करने पर 600 है, तो ऐसी संख्या कौन सी है जी, 30 और 20, 30x माइनस 20x बराबर 600। यहां से अगर आप करेंगे बराबर शुरू को लिखिएगा, चलिए तो यहां से निकलेगा x माइनस 30, हम लोग क्या लेते हैं सॉरी यहां पे एक एक स्टेट को x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 30 बचेगा और यहां पे 20 कॉमन लेंगे माइनस का, तो x माइनस 30 बचेगा इज इक्वल टू जीरो। ऊपर लिख देता हूं x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो होगा और x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो होगा, तो दो आंसर मिलेगा, या तो एक वैल्यू होगी x की 30 और दूसरी x की वैल्यू होगी 20। तो यदि मैं x रखता हूँ 30 तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 20, और अगर मैं रखता हूँ x तो 20 तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 30, तो 20 और 30 ये हमारे आंसर होंगे, एक संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 30, दो भाग में इस प्रकार से ये टूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 672 को 5:3 में विभाजित किया जाए तो बड़ा भाग छोटे भाग से कितना अधिक होगा। चलिए 672 को दो भाग में निपटाना है, एक भाग करना है 5:3, तो पहला किसका पहला भाग कितना होगा, 672 इंटू 5/5 + 3 करिएगा 8, कभी भी अनुपात में नीचे अनुपाती योग रखते हैं। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 672 इंटू 3, तीन हिस्सा होगा टोटल कितने हिस्से में, 5 + 3 मतलब 8 हिस्से में, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, पूछ रहा है बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से से कितना बड़ा है, तो घटा दीजिए 672 इंटू 5/8 ये पहला हिस्सा है, 672 इंटू 3/8 ये दूसरा हिस्सा है, 672/8 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर में 5 - 3, या फिर 672/8 इंटू 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, करिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, काटिएगा 4 से, 4 × 1 = 4, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 3 × 4 = 32, 168 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी थैली में 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसे के 5:9:4 के अनुपात में सिक्के हैं, यदि बैग में कुल 206 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, है ना, टोटल आपको अमाउंट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, टोटल अमाउंट कितना है 206 रुपए है, 206 रुपए टोटल अमाउंट है, अनुपात दिया है 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसे का, सिक्के की संख्या देखिएगा, संख्या का अनुपात कितना है, अगर हम लोग बोले एक है 50 पैसा, एक है 25 पैसा और एक है 10 पैसा, इनकी संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:9:4, ये संख्या का अनुपात है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए के अनुपात में या पैसे के अनुपात में किसी भी तरीके से, तो अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के तो कितना हो गया 250 पैसा देगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट का अनुपात, ऐसी 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, है ना, 25 पैसे के 9 सिक्के, तो 25 × 225, 225 पैसे का अनुपात देगा, और 10 पैसे के 4 सिक्के तो 40 पैसे का अनुपात देगा, क्या कोई ऐसी संख्या जो इनको आपस में काट सकती है, 5 है, अगर अनुपात निकालेंगे तो 5 × 8 = 40, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 = 20, 5 × 25 है ना 40, 8 = 45 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, है ना, तो 50:45:8 इसके अनुपात में आपका रहेगा मूल्य, ये सिक्कों का मूल्य है। ओके, फिर क्या बोलता है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये जो मूल्य का अनुपात आया है अगर मैं इसको जोड़ू, मतलब 50x 45x 8x, तो मूल्य कितना मिलता है 206 रुपए, तो 206 रुपए को भी पैसे में कर दीजिएगा 206 00, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हम लोगों ने पैसे में कैलकुलेट किया है। चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिएगा 50 + 45 + 8, 50 + 45 + 8 ऐसे साइड में जोड़ दीजिए आराम से ताकि जुड़ जाए, है ना, चलिए 8 × 5 = 13 कितना आएगा 1 × 4 = 5 = 10, ओके 103x की वैल्यू आती है आपके पास 206 00, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 206 00/103 या फिर 200, ओके x का मान आएगा 200, तो ऐसे ही 10 पैसे के 1 कितना आएगा, 10 पैसा आएगा 8 × 200 मतलब 1600 पैसे, 1600 पैसे है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ओके, या 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है 1600, आपको बोल क्या रहा है कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसे के लिए 1600 बनाना है, 1600 पैसा बनाना 10 पैसे से, 10 पैसे का एक सिक्के का मूल्य होगा 10 पैसा या फिर 10, तो ऐसे 1600 बनाने के लिए कितने लगेंगे, तो टोटल लगेंगे 160, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा फास्ट में समझना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात 3:4 है, 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का अनुपात 5:4 हो जाता है, शराब की मात्रा ज्ञात करिए। चलिए
शराब अनुपात हमारे पास क्या है, पानी है ना, पानी अनुपात शराब है। चलिए, पानी ऊपर है शराब नीचे है, पानी और शराब का अनुपात है 3:4। तो मैं लिख देता हूँ, पानी है 3x और शराब है हमारी 4x। ओके, चलिए 5 लीटर पानी मिला देते हैं, 5 लीटर पानी मिला दीजिए तो 3x+5 जिसमें मिलेगा उसी में मिलाना है, 3x+5। शराब को एज इट इज रखा गया है बटे 4x, तो अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। ओके, 5:4 हो जाता है मतलब 5/4 हो जाता है। शराब की मात्रा निकालिए, देखिए यहाँ पे मैंने लीटर में इकाई ली है तो लीटर में ही आपका उत्तर आएगा। चलो तिर्यक गुणा कर देते हैं, 4 × 12x + 4×5=20। तिर्यक गुणा मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5×6=20x। इधर करेंगे तो 20 = कितना हो जाएगा, 20x - 12x, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। या फिर हम लोग करेंगे 20x - 12x मतलब 8x = 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/8। 20/8 आपकी हो जाएगी किसकी वैल्यू, x की। और हम लोगों को चाहिए किसकी, शराब की वैल्यू। शराब हम लोगों ने माना है 4x, तो 4 का गुणा दोनों तरफ कर दीजिएगा, 20/8 × 4। यहाँ से करेंगे 4 × 1=4, 4 × 2=8, 20/2। 20/2 मतलब कितना हो जाएगा, 10। 10 लीटर शुरुआत में शराब थी। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं। बोलता है 15 आदमी है, 9 घंटे प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, तो किसी खेत को 16 दिन में जोत देते हैं। 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो उसे कितने दिन में जोतेंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है MDH/W, चैन रूल बोलते हैं इसको। अगर आप पढ़ेंगे तो चैन रूल में ये वाला क्वेश्चन आएगा, चैन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। तो चैन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का बनेगा, M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2 के, इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, जो M है आदमियों को दर्शाएगा, D जो है दिन को दर्शाएगा, H जो है आपके घंटों को दर्शाएगा, कितने घंटे काम कर रहे हैं, W मतलब कार्य की मात्रा। अगर समान कार्य है तो 1 मानेंगे, अगर 2 गुना कार्य होगा तो 2 मानेंगे, 3 गुना कार्य होगा तो 3 काम मानेंगे। जैसे बोला है देखिए, उसी खेत को मतलब कार्य की मात्रा नहीं बदल रही, दोनों में सेम रहेगा। पहले में है 15 आदमी, कितना घंटा काम करते हैं जी, प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हैं, तो खेत को 16 दिन में जोत लेते हैं। खेत कितना है, 1 खेत है। ऐसे ही बोलता है दोबारा, कितने आदमी हैं जी हमारे पास, 18 आदमी हैं, कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तो कितने दिन में जोतेंगे। तो डे को हम लोग लिखते थे डे 2, सेम खेत है तो 1 लिख दिए, तो डी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करेंगे कैसे हो जाएगा, 15 × 9 × 16/18 × 8। यहाँ से काटेंगे, देखिएगा 9 × 1=9, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16। डी 2 कितना मिलेगा हम लोगों को, 15 दिन। उत्तर कितना आएगा, वो लोग 15 दिन में काम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को राम अकेले 12 दिन में पूरा करता है, तो श्याम उसे अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो राम अकेले करता है, राम की कार्य क्षमता दिया है, 1/r की वैल्यू कितनी, 1/12 दी हुई है। ऐसी राम और श्याम मतलब 1/r और 1/s इसकी वैल्यू दिया हुआ है, अगर साथ में करते हैं तो 1/4 समय लगता है। ओके, ये इनकी 1-1 दिन की कार्य क्षमता है। आपको बोल रहा है श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, 1/r की वैल्यू उठाइए रखिए यहाँ पर, 1/12 + 1/श्याम = 1/4, या 1/श्याम = कितना हो जाएगा, 1/4 - 1/12। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, 1/श्याम की वैल्यू कितनी आएगी, 2/12 या फिर 1/6। मतलब श्याम अगर अकेले काम करेगा तो 1 दिन में काम का 1/6 हिस्सा करेगा, तो श्याम की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। श्याम कितने दिन में काम करेगा, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन सोहन किसी काम को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों कुछ इस प्रकार काम करना शुरू करते कि पहले दिन मोहन अकेले काम करता है, दूसरे दिन सोहन अकेले काम करता है, बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसे में क्या है, ये अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट दिन पे काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ काम की इकाई मानना पड़ेगा। पिछला वाला मैंने कार्य क्षमता में बताया था, इस बार इकाई मान के करेंगे। कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि काम की कुछ इकाई है, काम की इकाई कितनी हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 9 और 12 का, एलसीएम 9 और 12 का कितना हो जाएगा, माना कि टोटल 36 इकाई काम है, कितना इकाई काम है, 36 इकाई काम है। चलिए शुरुआत करते हैं, मोहन अकेले 9 दिन में काम करता है,
तो मोहन के एक दिन का काम कितना होगा, इसको निकालते हैं। मोहन के एक दिन का काम, मोहन 9 दिन में 36 इकाई काम करता, तो एक दिन में कितना करेगा, 36/9, 4 इकाई काम करेगा मोहन एक दिन में। ओके, कैसे, अगर 4 इकाई करता तो दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 12, ऐसे करते करते 36 इकाई करने में उसको कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। ऐसे ही सोहन, सोहन के एक दिन का काम की बात करेंगे तो सोहन जो कि 36 इकाई काम करता है 12 दिन में, उसको कितना लगेगा, एक दिन का काम 3 इकाई। पहले दिन 3 इकाई करेगा, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 9, चौथे दिन 12, ऐसे करते करते आपका 12वें दिन वो 36 इकाई में पहुंचेगा। मोहन और सोहन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक दिन प्लस एक दिन, मोहन प्लस सोहन, ऐसे दिखेगा, मोहन प्लस सोहन के 2 दिन का काम कितना होगा, 7 इकाई। जब ये लोग 2 दिन एक साथ काम करें, मतलब अलग अलग काम करें, पहले दिन मोहन काम किया, दूसरे दिन सोहन काम किया, तो 2 दिन में कुल 7 इकाई काम निपटा। ऐसे ही टोटल हम लोगों को 36 इकाई तक पहुंचना है, तो कोशिश करिए 7 का पहाड़ा इतने बार आप पास में पढ़िए कि वो 36 के आसपास पहुंचे, क्योंकि टोटल काम हमारे पास 36 इकाई है। 2 दिन में जब मोहन सोहन अकेले अकेले काम करते 7 इकाई होता है, तो 7 के आप 35 के आसपास पहुंचे, कितने इंटू में पहुंचेंगे, 7 × 5 कितना होगा, 35 इकाई। तो अगर ये दोनों मिलकर ऐसे 5 बार काम करते हैं, पहले 2 दिन का जोड़ा, दूसरा 30, दूसरे 2 दिन का जोड़ा, तीसरे 2 दिन का जोड़ा, ऐसे जब 5 जोड़े बनते हैं, मतलब 10 दिन जब काम होता है, 10 दिन जब काम होता है तो 35 इकाई काम, 10 दिन में कितना इकाई काम हुआ, 35 इकाई काम हुआ। बचा कितना काम, 36 इकाई काम था, 35 इकाई काम हो गया, 1 इकाई काम बचे। ओके, अभी मेरी बात समझिएगा, 10 दिन टोटल काम हुआ, अल्टरनेट वर्क में 10 दिन काम हुआ तो 1 इकाई काम बचा है। पहले दिन मोहन किया, दूसरे दिन सोहन, तीसरे दिन मोहन, चौथे दिन सोहन, पांचवें दिन मोहन, छठवें दिन सोहन, ऐसे करते करते 9वें दिन मोहन किया होगा, 10वें दिन सोहन किया, आखिरी बार काम किसने किया, सोहन ने किया, तो 35 इकाई काम कंप्लीट हुआ। अब काम कौन करेगा, मोहन करेगा, मोहन को काम करना है, काम खाली बचा है 1 इकाई। मोहन एक दिन में 4 इकाई काम करता है, तो 1 इकाई काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/4 दिन लगेगा, है ना, 4 इकाई काम, एक दिन में 4 इकाई निपटा सकता है, 1 इकाई करने के लिए दिन भर नहीं लगाएगा, जल्दी करेगा, कितना होगा, 1/4 दिन होगा। पहले काम हुआ 10 दिन, फिर एक पूरा काम कंप्लीट करने में 1/4 दिन एक्स्ट्रा लगा, तो उत्तर कितना होगा, 10 सही 1/4। मैंने उम्मीद है थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि अभी चल रहा है अलग अलग यूनिट हम लोग साथ पे कर रहे हैं, तो समझाने में ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। अगर ये सारा आपने प्रैक्टिस किया है तो फिर आपको इजी है, अदरवाइज यूनिट बाय यूनिट हम लोग जो क्लासेस लेते हैं उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी इस चीज़ को निपटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है, 2 पाइप किसी टंकी को 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, उसी टंकी से लगा हुआ एक नल उसे 20 घंटे में खाली कर देता है, यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, कैसे है। मान के चलो कुछ इस प्रकार का है, 2 पाइप हैं जो टंकी को भरने का काम करते हैं, एक पाइप है जो खाली करने का काम करता है, मान लो ए नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी। ओके, जो 2 पाइप भरते हैं, एक पाइप भरता है 10 घंटे में, दूसरा भरता है 12 घंटे में, और जो तीसरा है उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। इस प्रकार से तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितना देर में भरेगी, तो नल ए के 1 घंटे का काम कितना होगा जी, 1/10, नल बी के 1 घंटे का काम 1/12, और नल सी के 1 घंटे का काम 1/20। अब देखिएगा, 2 नल भरने का काम कर रहे हैं तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, खाली करने का काम कर रहे तो निगेटिव होगा, तो टोटल काम कितना होगा, 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20, ये समय लगेगा। ओके, चलिए 10, 12 और 20 एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 + 5 - 3, या फिर लिख सकते 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8/60 लगेगा, यह समय हो जाएगा 60/8 घंटा। 60/8 घंटा ये कुछ जम नहीं रहा है, है ना, 60/8 घंटा को हम लोग कैसे करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। वैसे एक बार और दोबारा चेक कर लीजिएगा, 10 घंटे 12 घंटे और 20 घंटे है ना, तो 10 12 20 एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, 10 6 60, 12 5 60 और 20 3 60, 6 5 11, 11 में से 3 किया, आपका बचेगा 8 8/60 घंटा, या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं 4 से काट देते हैं, 4 × 8 और 4 × 5 = 15, 15/2 घंटा का समय लगेगा। अब घंटे को मिनट में बदलना है तो 2 से 15 का भाग दीजिए, कितने बार में जाता है, 7 बार में, 2 × 7 = 14, 1 बचेगा, तो 7 सही 1/2 घंटा आपको लगेगा, 7 सही 1/2 घंटा, या हम लोग बोल सकते हैं
7 घंटा और 30 मिनट। उत्तर कितना आएगा? 7 घंटा 30 मिनट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का मैं और कोशिश करूंगा कि आंसर ला सकूं, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग आंसर लाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो ऐप में देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लीजिएगा। जो यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्यून टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन बनाया, 100 क्वेश्चन का है और आगे आने वाला है। तो अगर आपने प्यून टेस्ट सीरीज नहीं ली है, अभी भी है, उसमें आप सारे टेस्ट अभी भी दे पाएंगे, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आने वाले समय में उसका रेट बढ़ जाएगा, तो अभी ले लीजिएगा, 51 रुपीज में आपको पड़ेगा। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय।